बोल। अरे तिलोरिया कहाँ चल गई? अरे कोनो काम करो थोई। अरे ओकर काम कभी खत्म होखेला आइजा लौकेले कभी। चाय आ गई। हां दी चाय आ गई। लीना नहीं ना ए दुल्हन तनी बिस्कुट ले आवा ना। हां ई बात भइल ना माई। अरे माई चला हो गेल। अरे अरे चलो एकरे बस चला चलो। अरे सूरज सूरज अरे दुल्हन रुक। हां बुधिया बाडू। अरे तो खुशी के बात बा। तू दादी बनबू दादी। हम पर दादी। हम बुआ। और हम पर बुआ। चल शहर गाओ। मुबारक हो आप बाप बनने वाले हैं। आपकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है। बस अच्छे खान पान की जरूरत है जी। कुछ दवा लिख देता हूँ ले लीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात पूछी। पूछिए। अब 1+1 के ऑफर ना हो सके लड़का मतलब मतलब जैसे लड़का लड़की एक साथे हो जाए तो बढ़िया रहे का हो। बच्चे के पिताजी का नाम सूरज। माँ के नाम ना चलिका। नहीं नहीं सूरज प्रताप सिंह चली। ये तो सुशीला बाड़ी जी हमरे जगह हमर ससुराल पहुंच गई रहली। मीरा तू ऐसा कर तरु ना कुछ ना। चला अच्छा डॉक्टर साहब कले बड़े कि तहरा के दूध बादाम रोज खियावे के बा और तुम्हार सेहत के ध्यान रखे के बा। अपन ताकत भुला गई लेका है? औरत की ताकत मर्द से कम ही न होला। अरे वो है कम ताकत भी तो है जैसे मर्द के पैदा करके रख दे वेले और जरूरत पड़ला पर कबो दुर्गा कबो काली बन के दिखा देले। दुर्गा काली बने छोड़ कहे से कि तू हमार घरवाली न बने वाले बड़ी। वैसे भी साली पर जीजा का आधा ना हक होला तो ऐसे ही जीजा साली के प्रैक्टिस करत रहनी है मजाक खातिर। तू ले जो ले जो। माई, माई, चंदा, ए बेटी, ये सब के कलस रे? जाओ ना घर से बाप के साया उड़ जाला ना, वो घर पर हैवानियत के साया मेडराए लगेला। माई, जब से हो संभल ली, तब से दिखता नहीं, तू दीदी के मार मार के खालू धेरत रहलू, आज वह दीदी ढाल बन के हमारी इज्जत बचौली। हमारी मजबूरी रहे माई। आओ बेटी यही से राउ रा क्या तुर के अपन बहन के इज्जत पहुंचावे खातिर रहल बानी। चली बाबूजी हमरा माफ कर दे बेटी। उठा माई। अरे बेटी के जगह पाँव में होला माई के नाम। कैसन मुलायम पिसान के बनल है इसरे। हम तो ना सौतिन के बेटी कह के मार मार के रोटी जैसन चाकर करके आग में जरा जरा के अपन नफरत के भूख मिटावत रहे और ते हमार सब जुलुम सह सह के हमरा इंसानियत सिखावत रहे। बाकी हम सीख ना पाए।
ए बेटी ना सीख पाऊंगी। लोग कहत रहे बग्या झमहू मान गई कि समय से बड़ा शिक्षक ये दुनिया में केहू नहीं के। जौन बात हम तोहरा के ब्याहे के बाद समझा ना पहली आज उहे बात तोहरा के समय समझा देलस। पापिन के एक बेर माफ कर दी, एक बेर माफ कर दी, जिनकी भर हमरा और पूजा करब। एक बेर माफ कर दी। चलो हम माफ कर ली तोरा के। अरे बड़ा नीच मतारी की बेटी हवे, घर से भगेला के बादो आ गई ले। सतु भत्री भागे जा, ना तो मांग जरा दे, भाग भाग सतु भत्री। बाबू बाबू चुप हो जा। ए बेटी नाती के हमरा गोदी में दे ना। आओ बेटी लेना माई। हेलो मामा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा खुश रहो, का हाल बा? हमार गोद भराई में आपके और मामी जी के आवे के पड़ी। ना पाई बेटा, कहे कि हमरा तोहर मामी के विदेश जाए के बा एगो बिजनेस के काम से। अब बेटा एक काम करो, जीजा जी के फोन करके गोद भराई वाला रसम जरूर पूरा करवा लो। जी मामा जी। और एक बात और बेटा, कि अब वो समय आ गइल बा कि तहरा के अब मीरा से उर्मिला बने के बा। हाँ बेटा। बाकी मामा जी। ना हम जैसे ही विदेश से आए हम जरूर मिले आए, ठीक बा बेटा? जी मामा जी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो, चला ठीक बा। हेलो। अपने ही पिता से मिलने के लिए इजाजत मांगती है बेटी अपने पति से। ये वो दुनिया है जहाँ बेटी विदा होते ही उसके हकदार बदल जाते हैं। कल हमार हमार गोद भराई बा। कल तोर गोद भराई बा? गोद भराई तनी हमके दे, हमके दे। बेटी माई याद करे जा के रुआ देला। धर्म हतारी और ममता के बहुत डरेलस। अब माई के साथ साथ ममता भी कहता कि कब तक डरबे। तुहार गोद भराई में तुहार बाबूजी जरूर आई हैं, जरूर आई हैं बेटी। भानु प्रताप जी प्रणाम। अरे रणबीजे बाबू आप यहाँ कैसे? अरे भाई हम अपना बेटी के ससुराल आयल बानी। अब जब केहू बाप अपना बेटी के ससुराल जाला तो कुछ ना कुछ उपहार तो लेके ही जाला ना। आज गोद भराई के शुभ अवसर पर हम अपना बेटी के घरे कुछ उपहार और आशीर्वाद लेके आयल बानी। रणबीजे बाबू हम आपके जज्बात के कदर करता नहीं, बाकी जिंदा घाव के छुअला से दर्द और बढ़ जाला। हमारा आपके संबंध था वही दिन खत्म हो गई जौना दिन आपकी बेटी के देहांत हो गई। ना दादाजी, इनकर बेटी मरल ना जिंदा भी आ। मेरा नाम उर्मिला बनी, वह उर्मिला जकरा के राव और पोता बिना देखे अपना घर से निकाल दे ले रहा। शायद हम दुनिया के पहली ऐसा औरत हो खाओ जे बियाह से पहले अपना ससुराल के सारी प्रॉपर्टी अपना नामे करवा ले लस, सिर्फ अपना आपके बेगुनाह साबित करे खातिर। वरना हमर संस्कार ऐसा ना रहे और ना ही हमरा ये प्रॉपर्टी के कोनो लालच। इतना बड़ धोखा आ मुंबई में तू हमार भतीजा के आपन प्यार के जाल में फंसा करके तू दोबारा तो ई घर में आ गईलू। तू का सोच लू वो दिन तो सूरज तोहरा के ई घर में ना आवे देले रहलन, बाकी आज हमने मिलके तोहरा के ई घर से निकाल के रहा।
हमरा पता रहे कि सच्चाई जानला के बाद रउवा लोग इहे करब। यही से हमार मामा ई प्रॉपर्टी हमरा नामे करावले। बाकी सूरज जी, हम आज भी उतने पवित्र और पतिव्रता बानी जैसे कि पहले रहनी। रउवे बताई, ब्याह के बाद चार दिन तक रउवा हमरा के छू पावले रहनी ना, वही तरह हम इंसान के भी अपना आपके ना छुए देले रहनी। और वैसे भी दुनिया के कोनो मर्द कोनो भी स्त्री के तब तक ना छू सकेला जब तक कि वो औरत के मर्जी ना होखे, चाहे वो पत्नी हो या कोनो बाजारू औरत। अब अगर इस सब जनला के बाद भी रउवा हमार बात के विश्वास नहीं की करत तो हमार जिए के कोनो फायदा नहीं के। हम जाता नहीं हमेशा हमेशा खातिर रार जिंदगी से। अरे का भाई, हाँ भाई, ए पिताजी जल्दी अस्पताल लेके चले, जल्दी करो उठाव। का भाई, देखिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, आपकी पत्नी खतरे से बाहर है, अब वो सुरक्षित है। पर अफसोस, अब वो दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। एक्सीडेंट से उनका गर्भपात हो गया और उन्हें बचाने के लिए उनकी बच्चेदानी निकालनी पड़ी। आप लोग जाके मिल सकते हैं। बाबूजी, चुपचाप रहला से घर के समस्या के समाधान ना होई। अरे घर के वारिस के खातिर भतीजा के दूसर ब्याह कर ही के पड़ी ना, तो ई बांझ ई कुल के वच बहन कर दे। चल चिल्ला। हाँ बाबूजी। काज की थप्पड़ हम तोहरा के पहले मरले रहती, तब तू आज अपना नैहर में आग न लगाई, तू ससुराल में जाके अपन घर बसेले रहतू। बुआ, रवा जैसन बोले वाला लोग बोले से पहले ई काहे ना सोचेला कि जब जेब में रखल कलम मंगला पर लोग देवे में हिचकिचा ले, तब बेटी के बाप के जिगर के बारे में सोची जे अपना करेजा के टुकड़ा के पराया घर में सौंप देला। पहला बार कहा तानी और आखिरी बार समझ लिया, ई खाली घर के बहु न बेटी भी आई। खबरदार जेकरा के तू बांझ कहलू हा। बुआ जी ठीक है तो कहा तानी, थप्पड़ मरला से सच्चाई झूठ में ना बदल जाए। और रहल बात ई घर के वारिस के, तो ई घर के वारिस हमला के दे। हाँ, हम लाके दे।